राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर वन और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में सियासी दलों के दिग्गजों की एंट्री ने माहौल को पूरी तरह से बदल दिया है। प्रदेश में कुछ दिन के बाद अब विधानसभा के चुनाव के लिए वोट होना है। ऐसे में सभी पार्टियों के स्टार प्रचारक चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं और अपनी अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए ताबड़तोड़ रैलियां करने में लगे हैं। अब इसी कड़ी में कई बड़े नेताओं ने पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में आज भी जनसभाएं की हैं और विरोधियों पर जम करके निशाना साधा है। अब इसके बाद प्रदेश का जो सियासी पारा है वो और चढ़ गया है। इसी के चलते राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने कुरुक्षेत्र और नारायणगढ़ में कांग्रेस की विजय संकल्प रैली को संबोधित किया है। यहां बीजेपी के केंद्र और राज्य सरकार को जम करके घेरा है। राहुल गांधी ने अपनी यात्रा के जरिए हरियाणा कांग्रेस को एकजुट करने की कोशिश भी की है। अब इस यात्रा के दौरान जनसभा में राहुल गांधी ने भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी सैलजा का हाथ से हाथ भी मिलवाया है। अब यहां पर सवाल यह है कि क्या कांग्रेस के अंदर जो अंतरकलह है वो समाप्त हो गई है? क्या राहुल गांधी की कोशिश से कांग्रेस को इस चुनाव में मजबूती मिलेगी? वहीं कांग्रेस के साथ साथ अब बीजेपी के दिग्गज भी लगातार जोर शोर से चुनाव प्रचार में हैं। आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पंचकुला और भिवानी में रैली करके कांग्रेस की खामियां और बीजेपी सरकार की कामयाबियों को गिनवाया है। कालका विधानसभा में राजनाथ सिंह ने बीजेपी प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा के पक्ष में रैली की, उनके लिए वोट की अपील की। इसके साथ ही कालका और रायपुर रानी का घोषणा पत्र भी जारी किया। रोहतक में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति रानी तो चरखी दादरी में दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी पार्टी उम्मीदवार के पक्ष में रैली की है। जनता का दिल जीतने की तमाम घोषणाएं की हैं। अब कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी में भी चुनाव के बीच में बागी और निर्दलियों को मनाने का जो दौर है वो लगातार चल रहा है। सोहना में बीजेपी के बागी और निर्दलीय उम्मीदवार कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कहने से बीजेपी प्रत्याशी तेजपाल तंवर के समर्थन में चुनाव से पीछे हट गए हैं। लेकिन इन सब कवायद के बीच में सबसे अहम सवाल यह है कि इस बार का जो विधानसभा चुनाव है वो किस करवट बैठेगा और ये जो तमाम आप देख रहे हैं कि सियासी पारा इस समय हाई है उसका जो असर है वो जनता पे किस प्रकार से पड़ रहा है, आज इस पर हम भी चर्चा करेंगे। तो कुल मिलाकर के अब वोटिंग में ज्यादा समय है नहीं और इसलिए आप देख रहे हैं कि सभी पार्टियां पूरी ताकत चुनाव प्रचार प्रसार में झोंक रही हैं। हमारे कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होगा। हम विश्वसनीयता का संकट जो भारत की राजनीति में कांग्रेस ने पैदा किया है उस विश्वसनीयता के संकट को हम लोगों ने चुनौती के रूप में स्वीकार किया है। कांग्रेस को लंबे समय तक हुकूमत करते हुए हिंदुस्तान में आपने देखा है, देश के कई राज्यों में देखा है। अभी हाल का ही एक मामला है कर्नाटक राज्य का, जहां पर कांग्रेस की सरकार बनी है। बहनों भाइयों, वहां के मुख्यमंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। क्या आप चाहते हैं कि हरियाणा में भी कैसी ही सरकार होनी चाहिए? इसलिए आपको आगाह करने आया हूं बहनों भाइयों, 2014 में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, 2017 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार जब बनी और डबल स्पीड से चलना प्रारंभ हुई, मात्र दो वर्ष के अंदर 500 वर्षों की समस्या का समाधान हो गया। यह है डबल इंजन सरकार की ताकत। ये डबल इंजन सरकार की ताकत का एहसास आज पूरा भारत कर रहा है, पूरे भारत के अंदर आज इसका एहसास हो रहा है। कांग्रेस पार्टी का काम देखो, जमीन अधिकरण बिल किसको फायदा हुआ? अरबपतियों को फायदा हुआ, किसानों को फायदा हुआ। मनरेगा, भोजन का अधिकार, भट्टा परसोल, हमारा लक्ष्य है कि अगर अरबपतियों का कर्जा माफ हो तो फिर किसानों का भी कर्जा माफ हो, मजदूरों का भी कर्जा माफ हो, गरीबों का भी कर्जा माफ हो। हम न्याय चाहते हैं। हमारा कहना है कि ठीक है भैया, अगर उनका करना है तो फिर इनका भी करो, अगर इनका नहीं कर रहे हो फिर उनका नहीं करो। न्याय होना चाहिए। हम यह भी नहीं कह रहे हैं कि उनको फायदा नहीं मिलना चाहिए, फायदा सबको मिलना चाहिए। अभी भैया और मैं कुछ परिवारों से मिले, वो जो फैमिली आईडी है उसके बारे में वो बता रहे थे,
कि फैमिली की आईडी बनानी होती है, उसमें हर परिवार के सदस्य की आमदनी, चाहे 17-18 हो परिवार के सदस्य, चाहे अलग अलग परिवार के यूनिट ना हो, मतलब एक भाई उसकी बीवी उसके बच्चे, दूसरा भाई उसकी बीवी उसके बच्चे, सब की आमदनी जोड़ के सरकार क्या कर रही है, आपको सरकारी स्कीम से निकालने का काम कर रही है। मतलब वो बता रहे थे कि दीदी हमारी सदस्य 4 सदस्य हैं, हमारा ये नया पहचान पत्र इन्होंने बना दिया, अब कहते हैं कि तुम्हारा बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं जा सकता क्योंकि तुम्हारी आमदनी बहुत बढ़ गई है। इसी तरह से सबकी आमदनी जोड़ के जो किसान की सुविधाएं हैं, जो मजदूरों की सुविधाएं हैं, सब बंद हो रही हैं। ये सारा काम जो हो रहा है सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों की भलाई के लिए हो रहा है, आपके लिए नहीं हो रहा है। तो वोटिंग में अधिक समय बचा नहीं है, मात्र 3 से 4 दिन का समय बाप और देख रहे हैं, और उसके बाद तो आप देखेंगे कि चुनाव प्रचार का भी जो शोर है वो थमेगा। इसलिए अब ये राजनीतिक पारा आने वाले 3 दिन अभी आपको और चरम पर इसी प्रकार से दिखेगा। अब रूठने मनाने के दौर के बीच में जो तमाम सियासी वादे हो रहे हैं, जो तमाम तरह की आप देख रहे हैं कि बयानबाजियाँ हो रही हैं, जनता उसको किस नज़रिए से देख रही है, और पार्टियां जो दावे कर रही हैं, चाहे चुनावी मंच से कर रही हों, लोगों के बीच में जाकर के, उनके आधार को आज थोड़ा सा और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बिल्कुल अंतिम मुहाने पर आप कह सकते हैं कि अब इस समय सभी राजनीतिक पार्टियां हैं, और इसके बाद अब सीधे वोट होना है, तो फिर आधार इनके क्या हैं, आज उसको थोड़ा समझते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि जो रूठने मनाने के जो दौर चल रहे हैं, या जिसमें गिले शिकवे ये कहा जा रहा है कि दूर किए जा रहे हैं, उसका जो असर है वो इस बार के विधानसभा चुनावों में क्या देखने को मिलेगा, आज इस पर चर्चा करते हैं। सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका परिचय करवाते हैं। प्रोफेसर विधु रावल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। विधु रावल जी स्वागत है आपका चर्चा में। योगेश सिहाग जी हैं हमारे साथ, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। योगेश सिहाग जी आपका स्वागत। विवेक चौधरी जी हमारे साथ, जननायक जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। विवेक चौधरी जी आपका स्वागत। और रजत मंजेटा जी हमारे साथ, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। रजत मंजेटा जी आपका भी स्वागत है। विधु जी आपसे चर्चा की शुरुआत कर रहा हूं, चूंकि आज तो हम लोग देख रहे हैं ताबड़तोड़ चुनावी जनसभाएं चल रही हैं, और लगातार ये जो चुनावी जनसभाएं हैं वो देखने को भी मिल रही हैं, बहुत सारी बातें इन जनसभाओं में हो रही हैं, लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न से मैं शुरुआत करना चाह रहा हूं, चूंकि आज हम लोगों ने देखा क्योंकि नायब सैनी ने जो बात कही अपने तेजपाल तंवर के समर्थन में, आपके जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने कहा कि हम उनको अब अपना समर्थन देंगे, और दूसरा एक और बड़ी महत्वपूर्ण चीज जो आज कांग्रेस में देखने को मिली, जहां पर राहुल गांधी भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी सलजा को एक करते हुए नजर आ रहे थे, कैसे देखा जाए इन दोनों ही चीजों को, दोनों पर ही आपका रिएक्शन चाह रहा हूं मैं। आयुष जी आपको नमस्कार, और आपके माध्यम से इंडिया न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को और हमारे जो साथी पैनलिस्ट हैं उनको भी विनम्र नमस्ते। मैं उम्मीद कर रहा हूँ मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही है। जी जी। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक परिवार की तरह है, एक घर की तरह है। घर के जैसे सदस्य होते हैं उसी प्रकार से जैसे घर के बड़े जो लोग होते हैं, जो अभिभावक होते हैं, जो परिवार की चिंता करते हैं, परिवार के अंदर किस प्रकार से सुचारू रूप से चीजें चले, भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल फंक्शनिंग ऐसी ही है जैसे एक परिवार की फंक्शन। हम प्रत्येक व्यक्ति जो अपना चिंता करते हैं उसकी कदर करते हैं। हम तो जो नए आए हुए अपने साथ उनको भी गले से लगा लेते हैं और उनका भी बिल्कुल अपने साथ आत्मसात करते हुए उनका सम्मान करते हैं, उनसे भी किसी प्रकार की मिल्किंग नहीं करते। लेकिन कांग्रेस पार्टी के बारे में ऐसा नहीं कह सकते। कांग्रेस पार्टी तो अपनों को ही खाने वाली पार्टी है। किस प्रकार से हम जानते हैं कांग्रेस पार्टी का एक दलित विरोधी चेहरा, दलितों से नफरत करते हैं ये लोग, और इसी नाते से जब ये राजसत्ता में होते हैं तो दलितों पर अत्याचार की प्रकाष्ठा पार कर देते हैं। देखिए, गोहाना का जो कांड भूपेंद्र हुड्डा की सरकार में हुआ ये कोई मतलब नॉर्मल नहीं है। इस प्रकार के कांड हो नहीं सकते पूरे देश के अंदर, और मॉडर्न सोसाइटी में, सिविल सोसाइटी में इस प्रकार की जगह नहीं है। जो मिर्चपुर में इन लोगों ने अपने समय जो है दलितों की पूरी बस्ती को आग लगा दिया और बचे घरों को भी अल्टीमेटम दे दिया कि निकल जाओ गांव से बाहर, ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे जम्मू कश्मीर में 1990 में कह दिया गया था हिंदू अपने लड़कियों को यहाँ छोड़ दो और बाकी हिंदू सब निकल जाओ। इस प्रकार के जो है, हमने हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा की कालखंड में दलितों के साथ अत्याचार देखा, हमने देखा किस प्रकार से जो है कांग्रेस पार्टी अपने पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष हैं अशोक तंवर, उनकी गर्दन तोड़ देते हैं ये लोग। भूपेंद्र हुड्डा के लोगों पर, उनके समर्थकों पर बात लगी, अच्छा चलो एक इंसिडेंट हुआ, चोट लग गई, कोई कांग्रेस का नेता उनसे मिलने तक नहीं गया। बड़ी बात ये देखिए, केवल इंडियन नेशनल लोकदल के और अन्य अन्य पार्टियों के, भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग उनसे मिलकर आए तो उनका हालचाल भी जानने को नहीं गया। इतनी नफरत करते हैं दलितों से। 5 साल तक जो है कुमारी शैलजा प्रदेश अध्यक्ष रही, उनको इन्होंने टीम नहीं बनाने दी और बाद में दूध में से मक्खी की तरह निकालकर बाहर फेंक दिया।
अब जिस जब से चुनाव शुरू हुआ भूपेंद्र हुड्डा के लोग किस प्रकार से गाली गलौच कर रहे हैं, जाति सूचक शब्द बोल रहे हैं, अपमान कर रहे हैं पूरी पूरी जाति का और अपनी खुद की नेता का, ये अनपैरेलल है। ये इनकी नफरत जो है ना, जो मोहब्बत की दुकान वाले खोले घूमते हैं उनकी नफरत दिखाता है। तो स्पष्ट तौर पर जो है ये किसी प्रकार से हाथ मिलाने की कोशिश करते हैं, दिल से दिल तो मिले नहीं, हाथ से हाथ मिलाने का क्या फायदा। किस प्रकार से जो कांग्रेस है इस समय जो है वो उसका दलित विरोधी चेहरा और उसका समन्वयवादी, आप कह रहे हैं हाथ से हाथ मिलाने का कोई फायदा नहीं जब दिल से दिल ना मिले हो। योगेश जी रैली में हम लोगों ने देखा, कोशिश हुई, हालांकि इसके पहले भी रैली में हम लोगों ने देखा था भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी सैलजा एक मंच पर थे जब राहुल गांधी थे, लेकिन आज हाथ से हाथ भी मिलवाया गया, दिल से दिल मिल रहा है क्या? क्योंकि ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है कांग्रेस पार्टी के लिए। देखिए आयुष जी, सभी दर्शकों को, प्रवक्ता साथियों को नमस्कार, राम राम। आज चुनाव जो है, जैसे जैसे चुनाव आप देख रहे हो अंतिम फेज की ओर जा रहा है, तो चुनाव मैं समझता हूं कि बिल्कुल हरियाणा की जनता ने एक मन बना लिया है, हर तरफ से एक आवाज आ रही है कि कांग्रेस पार्टी ही बदलाव लेकर आ सकती है। लोग भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से हरियाणा में त्रस्त है पूरी तरह से, और आपने देखा भी होगा कि किस तरह से जो हम 2014 में 19 में मोदी जी की जो रैली होती थी उसके प्रति फिर भी लोगों में एक अट्रैक्शन होती थी, अब तो बिल्कुल जनता ने नकार दिया है। परसों हिसार में रैली थी, कोई उत्साह नहीं कुछ, बिल्कुल एक जो है जनता बिल्कुल पूरी तरह से इन्हें नकार चुकी है। और बड़ी बात मैं बताता हूं आपको आयुष जी, हिसार में डॉक्टर कमल गुप्ता इनके उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के, उनका तो फोटो तक नहीं लगाया गया। नवीन जिंदल जी जिनकी माता जी चुनाव लड़ रही है उनका फोटो लगाया गया। तो भारतीय जनता पार्टी में इस बार गुटबाजी इतने चरम पर है, तो जनता में ये मैसेज वो देना चाह रहे हैं कि कमल गुप्ता हमारे उम्मीदवार नहीं है। और आप देखिए इन्होंने कई जगह अपने पैरेलल उम्मीदवार, इंडिपेंडेंट या कोई अन्य जो क्षेत्रीय दल, जहां भी ये लगे कि ट्रायंगुलर फाइट हो सकती है, इन्होंने पूरा प्रयास किया, लेकिन आखिरी चरण में जनता ने ये देख लिया कि भारतीय जनता पार्टी का विकल्प केवल मात्र कांग्रेस पार्टी है, और जनता कांग्रेस पार्टी को ही बदलाव के रूप में देख रही है। क्योंकि पिछले 5 साल में जो मुद्दे, चाहे हमारी कांग्रेस पार्टी के जो हरियाणा मांगे हिसाब से घर घर कांग्रेस, योगेश जी ये बहुत बढ़िया बात है, देखिए आप विपक्ष में हैं, आपको भी हिसाब मांगना चाहिए, योगेश जी आपको तो हिसाब मांगना ही चाहिए, जनता तो हिसाब मांग ही रही है, अब तो 5 तारीख को वोट करेगी वो हिसाब कर देगी, लेकिन नहीं नहीं योगेश जी मैं कह रहा हूँ वो हिसाब दें या ना दें, वो रख रहे हैं पब्लिक डोमेन में, वो जनता के बीच में आप लोग जा रहे हैं, ये लोकतंत्र में 5 साल के बाद अपने आप जनता हिसाब करती है, आपके मांग आप मांगे या ना मांगे जनता 5 साल में अपने आप हिसाब कर देती है योगेश जी। लेकिन प्रश्न ये है, क्योंकि आप ये कह रहे हैं ना कि देखिए इनकी पार्टी में ज्यादा गुटबाजी, हमारे यहां गुटबाजी नहीं है, भाई मुख्यमंत्री के यहां तो आपके यहां भी दावेदारी ठोक रहे हैं, सब लोग यही बात कह रहे हैं, रणदीप सुरजेवाला, कुमारी सैलजा, भूपेंद्र हुड्डा, जब बात यहां पर आती है तो फिर आलाकमान तय करेगा, तो फिर दावेदारी किस तरह से, और आप ये कह रहे हैं कि हमारे यहां कोई गुटबाजी नहीं है, उनकी पार्टी में हो सकती है लेकिन आपके यहां नहीं है, इससे इनकार नहीं कर सकते आप। देखिए आयुष भाई, जब जब हरियाणा में हर बच्चा बच्चा ये जानता है कि कांग्रेस आ रही है, भारतीय जनता पार्टी जा तो रही है, क्यों बताना पड़ता है? कांग्रेस का इतना बड़ा हरियाणा में, मैं कहता हूँ एक सुनामी आ गई, आंधी भी नहीं कहूंगा, तो हमारे स्वाभाविक सी बात है, जितने बड़े राष्ट्रीय नेता है तो वो स्वाभाविक बात है, हमारे रणदीप सुरजेवाला जी राष्ट्रीय महासचिव की पद पर है, बहन शैलजा जी आज राष्ट्रीय महासचिव के पद पर है, इन्होंने किसी दलित नेता को राष्ट्रीय स्तर पर। तो योगी जी क्या मैं ये मानूं कि हर बार आपको ये लगता है कि सुनामी आने वाली, क्योंकि हर बार ये दावेदारी होती है, ऐसा थोड़ी ना है कि पहली बार ये दावेदारी हो रही, नहीं यानी हर 5 साल के बाद आपको लगता है कि सुनामी आने वाली है, वो अलग बात है कि आई नहीं अभी तक। देखिए लग नहीं रहा, भारतीय जनता पार्टी जो पिछली बार 75+ का दावा कर रही थी और आपने देखा किस तरह से 40 पर उनकी सांसें अटक गई, पूर्ण बहुमत नहीं मिला उस पार्टी को जो 75+ का नारा लेकर आई थी। इस बार तो भारतीय जनता पार्टी का जो कुशासन है हर वर्ग त्रस्त है, आप देखिए जितने हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं, आज भी मैं कार्यक्रमों से आया हूं, कल भी, आज भी जो राहुल जी, प्रियंका जी, जो हरियाणा में इतना जबरदस्त उत्साह लोगों का भाई ऐसा तो नहीं देखने को मिल रहा है, ये जनता
ये बातें इसके पहले विधानसभा चुनाव में भी आप लोग तो कहते थे। आप क्या राहुल गांधी या प्रियंका गांधी की रैली में लोग नहीं आते थे? आप ये कहना चाह रहे हैं इस बार ज्यादा लोग हैं वहां पर या ज्यादा भीड़ उमड़ रही? बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स है आयुष, वो हमेशा होता है योगेश जी। बात यह है कि वो भीड़ वोट में कैसे कन्वर्ट आपने करी, ये महत्वपूर्ण होता है। विवेक जी, आप लोग भी तैयारियों में लगे हुए हैं, लेकिन किस तरह से देखते हैं सारी चीजों को आप? एक तो प्रदेश का इस समय जो सियासी मिजाज है, और दूसरा यह है कि जननायक जनता पार्टी और असपा के साथ आप लोग जिस तरह से चुनावी मैदान में हैं, इसको कैसे देखा जाए और कितना आश्वस्त हैं आप भी अपनी जीत को लेकर, क्योंकि यहां तो सब दावेदारी कर रहे हैं। आयुष भाई, देखने की बात यह है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों आपस की लड़ाई में बीजेपी वालों ने कांग्रेस वालों की खींचातानी बता दी, कांग्रेस वालों ने बीजेपी वालों की लड़ाई दबा दी, दोनों आपस की लड़ाई में उलझे हुए हैं। और हम तो एक चीज जानते हैं कि जननायक जनता पार्टी और एएसपी गठबंधन मजबूती से जनता के बीच में और मजबूती से चुनाव लड़ने का काम कर रहा है, और 5 तारीख को जब एक एक वोट गठबंधन के पक्ष में डाल के हरियाणा प्रदेश की जनता 2 युवाओं को विधानसभा भेजने का काम करेगी, तो सबके सामने होगा किस तरह हरियाणा प्रदेश में युवक मुख्यमंत्री बनाए जा रहा है। आज देखने की बात यह, बीजेपी प्रवक्ता ये कह रहे हैं हम सबको अपना बना लेते हैं, ऐसे बना लेते हैं, वैसे बना लेते हैं, इनसे ये तो पूछ लीजिए जो आपके अपने हैं वही आज क्यों रुके बैठे। आज तमाम सीटों पे ये काम हो रहा है कि अब की बार इसका कांटा निकालना है। जो भी 4.5 साल तो उन्होंने आपको भी अपना बनाया था ना, वो गलत थोड़ी ना बोल रहे हैं। 4.5 साल आप उनके थे कि नहीं थे बताइए। नहीं, नहीं नहीं नहीं, हम एक चीज आपको उन्होंने आपको अपना बनाया था, आपको तो बनाया जनता ने, इन्होंने तो मजबूरी में अपना बनाया था, जनता ने हमें अपना बनाया, जनता ने अपना आशीर्वाद देने का काम हमें किया, तभी तो ये हमारे पास आए। हम तो एक चीज जानते हैं आज के दिन आयुष भाई, कांग्रेस के साथी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी के साथी हो, कांग्रेस के साथी ने ये तो बता दिया कमल गुप्ता की फोटो नहीं लगी, पैरेलल कैंडिडेट खड़ा कर दिया, ये बताना भूल गए कि अंबाला कैंट में क्या हो रहा है, ये नहीं बता रहे कि तमाम सीटें जहां पे कुमारी शैलजा के कैंडिडेट खड़े हैं वहां पे क्या हो रहा है, किस तरह उनको हराने के लिए क्या क्या किया जा रहा है, और कुमारी शैलजा जहां भूपिंदर हुड्डा के कैंडिडेट खड़े हैं वहां पे क्या कर रही है। आज तो राहुल गांधी ने हाथ से हाथ मिला दिया ना, अब तो दिल से दिल भी मिल जाएगा। आज से हाथ तो कई बार मिल गया, हाथ से हाथ मिलने से कुछ नहीं होता जब तक दिल नहीं मिलते। आज हम तो एक चीज कहते हैं कि अगर इस तरह हाथ से हाथ मिलाने से कुछ होता हो, वो तो हाथ मिला रहे थे राहुल गांधी जी और दोनों एक दूसरे को पीछे खींच रहे थे कि हाँ हाथ मिले ना, ये जनता ने देखने का काम किया। हम तो एक चीज जानते हैं, ये जनता के सामने हाथ मिलाने से कुछ नहीं होता, जो विचारों की लड़ाई है, जो आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने की लड़ाई है, वही कांग्रेस को लेके बैठेगी। ये बात ठीक कह रहे थे चलिए विवेक जी, मुझे लग रहा है शायद कुछ तकनीकी समस्या, आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही। वाले तो आपस में ही लड़ रहे हैं जी। आज कांग्रेस वाले आपस में ही लड़ रहे हैं आयुष भाई, आज जनता जरूर चुनाव लड़ रही है और गठबंधन के साथ चलने का काम जनता कर रही है। पंजेटा जी देखिए, अभी यहाँ पे चर्चा की शुरुआत में ही सबसे पहले विधु रावल जी ने यह बात कही कि भाई देखिए दलितों का अपमान करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। मायावती जी अभी एक संयुक्त जनसभा आप लोगों के साथ जब संबोधित कर रही थी तो उन्होंने बीजेपी कांग्रेस दोनों को आड़े हाथों लिया। कैसे देखा जाए, क्या दलित और उनके ऊपर फोकस हो रहा है पूरी तरीके से इस राजनीति में, और इसलिए शायद ये एक तरीके से ये जो बयानबाजियां सुनने को मिल रही कि इन्होंने दलितों का सम्मान नहीं किया, इन्होंने नहीं किया, कैसे देखा जाए इसको पंजेटा जी? देखिए दलितों का ना दोनों ही पार्टियों ने, इन्होंने भाजपा और कांग्रेस ने केवल नाम इस्तेमाल कर शोषण करने का काम किया है, दलितों के हित में ये कभी नहीं खड़ी रही हैं। मायावती जी ने तो सिर्फ ये कहा है कि अपना वोट इनमें से किसी को भी देके खराब ना करे, आपकी ताकत आपकी एकता है और आपकी ताकत आपका हित सोचने वाली पार्टी है, जो गरीबों का, मजदूर का, वंचित का, शोषित वर्ग का, कहाँ उसका उसका उठान होगा, कहाँ आपका फायदा होगा। तो बहन मायावती जी ने तो सिर्फ ये एक संदेश देने का काम किया है कि दोनों की विचारधारा दलित विरोधी रही है। और राहुल गांधी जी
जितना मर्जी आप कोशिश कर लें, जो उनकी असली इच्छा है, जो असली कांग्रेस पार्टी की सोच है दलितों की, कैसे उनका इस्तेमाल किया जाए, इस्तेमाल करके शोषण किया जाए, ये उनकी सोच आज से नहीं है, ये शुरू से ही रही है। चाहे संविधान रचता बाबा भीमराव अंबेडकर जी का अपमान करने के काम हो, चाहे उनको दरकिनार करने का काम किया हो, चाहे एक के बाद एक कांड, कोई मिर्चपुर कांड कोई एक कांड नहीं है, ये शुरू से इनकी मंशा और सोच जो है वो दलितों का वोट बटोरने की है बस। और जो आज बात हो रही थी शैलजा जी के बारे में, देखिए शैलजा जी के बारे में बात, दिल सारी बातें छोड़िए, आप सिर्फ एक बात का जवाब दीजिए, क्या शैलजा जी ने खुद अपनी मर्जी से या स्वेच्छा से हाथ मिलाया या जबरदस्ती उनका हाथ मिलवाया गया? हुड्डा जी ने भी कोई पहल नहीं करी। और ये बिल्कुल सत्य है कि एक कांग्रेस जो अपने आप को ये कहती है, ये आगे नहीं आने दे रहे उनको, उनको अपना संगठन नहीं बनाने दिया, अशोक तंवर जी को भी नहीं बनाने दिया। अशोक तंवर जी को उस वक्त गर्दन में तो कॉलर जरूर पहन रखा था, चोट आई थी, हाथ या पैर में फ्रैक्चर भी था उनके, ये तो हाथ पैर तोड़ने पर उतारू हो जाते हैं। ये तस्वीर कोई नई नहीं है आज वक्त, ऐसे आपको याद होगा लोकसभा चुनाव में किरण चौधरी जी को भी और रावदान सिंह को ऐसे ही एक रैली के मंच पे इकट्ठा बिठा के एक सुलह कराने की कोशिश की थी राहुल गांधी जी ने, क्या वो हो गई, क्या वो बात सिरे चढ़ी? नहीं चढ़ी। ये तो सिर्फ आज चुनाव के वक्त कोई नुकसान ना, और किस तरह दलित वोटों को किस तरह उनको अपनी तरफ उनको किसी तरह बेवकूफ बना के बरगला के, लेकिन असली चेहरा तो वही है ना, असली चेहरा तो उनका आरक्षण खत्म करना है। तो वो दलित को सिर्फ ये, मायावती जी असंध में भी बोला उन्होंने, आज आप देख लीजिए, आप अभय सिंह चौटाला जी का पेज उठा के देख लीजिए, बीएसपी का पेज उठा के देख लीजिए, जो आज एकता, क्योंकि दोनों ही जमीनी स्तर से जुड़े हुए कार्यकर्ता है, बड़े कर्मठ कार्यकर्ता है। आप जो मर्जी बातें करिए, चाहे उदाहरण दे देते हैं ये विपक्षी की भाई, नहीं, लेकिन योगेश जी तो कह रहे हैं भाई कांग्रेस की सुनामी आ गई है, अब तब सुनामी चल रही होगी तो उसमें दूसरी पार्टियों का क्या। और आप लोगों के ऊपर भी उन्होंने इशारों इशारों में तो कहा कि बीजेपी ने हर वो कोशिश की है जहां पे वोट को वो स्प्लिट कर सके या वोट बट जाए, जहां ट्रायंगुलर मुकाबला हो जाएगा वहां पर वो ऐसा करने की कोशिश कर रही है। इनडायरेक्ट आपके ऊपर और विवेक जी के ऊपर ये इशारा था, कैसे देखें इसको? देखिए योगेश जी की बात मैं मान भी लेता अगर इनकी 10 में से 10 का जो इन्होंने बहुत 3 महीने तक सक्षम है अगर इनके अपने दम पे इनकी पूरा मतलब ये लगा लीजिए कांग्रेस की कोई योगदान नहीं, सीधी सीधी बीजेपी की एंटी इनकमेंसी, मतलब एक सत्ता विरोधी लहर, उसके बावजूद उसको कैश नहीं कर पाए। वहां भी कहीं बोधा कैंडिडेट दे दिया, खट्टर जी को जितवा दिया, कहीं फरीदाबाद में जितवा दिया, अभी बात हो रही थी राहुल जी आए, अरे राहुल जी ने जब एंटर किया था लोकसभा चुनाव से पहले यात्रा में, फरीदाबाद में एंटर किया होगा तो फरीदाबाद की सीट क्या कहां गई, जितवा दी राहुल जी ने, गुड़गांव जितवा दिया राहुल जी ने, या मुझे लगता है कुरुक्षेत्र या करनाल जितवा दिया होगा। तो जीटी रोड बेल्ट की बात करते हैं, राहुल जी के तो कदम पड़ने की देर थी, वो तो लेकिन गेन तो हुआ ना पंजेटा जी भाई, अगर 0 से आप 5 पर आ गए तो उसको तो गेन ही मानेंगे ना, 5 का नुकसान तो भारतीय जनता पार्टी को हुआ। बिल्कुल, मैं आपने सही बिल्कुल कहते ना, सही पकड़े हो। ये जो आप कह रहे हो ना 5 सीट तो जितवा दी, आपको याद होगा जब कांग्रेस का 10 साल का राज था तो सिर्फ एक रोहतक की सीट बचा पाई थी कांग्रेस, तो उस हिसाब से तो यहाँ कांग्रेस को 9 सीट जीतनी चाहिए थी, जीत की गया। अरे मसा जीतती है, 2-3 सीटों में तो सिर्फ ऐसा हाल था, 20-30, 40,000, 50,000 जो एक एमपी के इलेक्शन के हिसाब से कुछ भी वोट नहीं है, मसा जीतती है। आप लगा लो अनुपात, उसमें देखिए कितनी है, 44 सीट है, 46 सीट है, और वो भी इन्होंने आम आदमी पार्टी का समर्थन, INLT को वोट मत दो, ये वोट काटू वो वोट, सबका वोट बटोर लिया, फिर भी भाजपा को नहीं हरा पाए, तो कहां खड़े हो, अपने अंदर झांक के देखो। वो तो अभी भी कह रहे हैं कि आप लोग वोट काटने के लिए, बहरहाल मैं आता हूं भी आपके पास। विदु रावल जी, आप तो कह रहे हैं कि भाई ठीक है, इनका 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 दिल से दिल नहीं मिला है, लेकिन आपकी पार्टी के अंदर भी इसी तरह की चीजें, उस और योगेश जी इशारा कर रहे थे, कैसे इसका जवाब देंगे आप? नहीं नहीं, इस तरह की बेमतलब की बातें हैं, हमारे यहाँ पर इस प्रकार से कोई हाथ से हाथ मिलता हुआ मिलवाता हुआ कहाँ अपने फोटो देखा। और दूसरी बात, वैसे भी जो है चर्चा जो है कोई थोड़ी सार्थक होनी चाहिए, ये थोड़ी कि ताजा ताजा राहुल गांधी की सुनकर आए हो तो उसी तरह की यहाँ पर डिबेट पर भी आके बोल दोगे। राहुल गांधी आज ऐसी डिबेट ऐसा बोल रहे थे जैसे उनको कभी सत्ता में अवसर नहीं मिला। अरे जिस खानदान ने हिंदुस्तान का
सारा सारा भूतकाल खराब किया, वर्तमान तक में असर है इस पार्टी का, वह भविष्य हमारा खराब करने को उतारू है। वो कह रहे थे अडानी और अंबानी की जेब में चला जाता है पैसा। अच्छा, आप किसानों को कुबेर छोड़कर गए थे क्या? किसानों का क्या हाल करके गए थे? 2-2 रुपए का चेक दिया करते थे, अपने जीजा जी से जमीन लुटवाया करते थे, बार बार अडानी अंबानी तो कह रहे थे। क्या रॉबर्ट वाड्रा का भी नाम लिया क्या एक बार? और आए ही थे हम, राहुल जी तो हम आए थे, रॉबर्ट को भी ले आते, हमारी जमीन दे जाते, कम से कम जो हमारी जमीन लूट रखी है उतनी तो दे जाते, वो नहीं बात करेंगे। ये बिल्कुल ऐसा प्रयास करते हैं जैसे या तो ये खुद कम समझ के हैं। देखो पार्लियामेंट माफी चाहूंगा एक जो है कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर है, देश के नेता प्रतिपक्ष है, लेकिन इतना हल्कापन हमने किसी नेता प्रतिपक्ष का आज तक नहीं देखा। हमने तो ऐसा समय देखा है कि देश पर अटैक हुआ तो जो है कह दिया गया कि पूरा देश आज इंदिरा गांधी है, अटल जी की बात करवा। हमने तो वो समय देखा कि जब हिंदुस्तान को जरूरत पड़ी तो सबसे बेहतर जो स्पीकर थे वो जाकर यूएन में जाकर नरसिंह राव जी ने अटल जी को भेजा। हम तो वो प्रतिपक्ष रहा है। आप क्या बात करते हैं? आप कहते हैं किसान का 16 लाख करोड़ रुपए जो है माफ कर दिए। भाई पहले तो कुछ और साथी कहते थे, अब उन्होंने भी कहना बंद कर दिया। 16 रुपए भी माफ हुए तो बताओ। अब आप नेता प्रतिपक्ष हो, अब आप गली के छिछोरे नहीं हो कि आप कुछ भी मुंह से बोल दोगे। अरे 16 लाख करोड़ रुपए कितना होता है भाई? 16 रुपए कहीं माफ हुए, उसका ऑर्डिनेंस दिखाओ, उसका कोई नोटिफिकेशन दिखाओ। इतना झूठ के ऊपर बेस्ड आपकी राजनीति है। भट्टा पसोल तक ले गए, भट्टा पसोल में दोबारा गए क्या 2013 के बाद? आज तक भट्टा पसोल में वापस पहुंचे हैं क्या? क्या बातें किस प्रकार की करते हैं? और फिर ये भी बता दें, अडानी अंबानी और तो काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, दुनिया भर में बिजनेस है। सोनिया गांधी कौन सा बिजनेस करती है जो दुनिया की 5वीं अमीर महिला बन गई थी अपने राज शासन में? पहले तो उनकी शादी से पूर्व के बिजनेसेस तो चलो विवादित है, हम नहीं उस पर जिक्र करते, लेकिन अब क्या करती है? ये ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। फिर कहते रैली में आकर्षण हो गया। अब रैली में आकर्षण का तो भाई बड़ा सा हंसी वाली बात है कि जब कोई जो है तमाशा दिखाता है तो तमाशा देखने वाले लोग आते हैं, इसका मतलब ये नहीं उठा के घर में ले आएंगे। और इस बात को रजत भाई ने बिल्कुल ठीक बताया कि फरीदाबाद से पैर पड़े थे और कुरुक्षेत्र तक आते आते वापिस चले गए थे, अंबाला भी नहीं गए थे। तो जहां जहां पांव पड़े संतन के तहां हुआ था भंटाधार। अब सारे कैंडिडेट्स जो हैं डिमांड कर रहे हैं, अंदरूनी बात बता रहा हूं क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में लोग मिलते जुलते एक दूसरे से रहते ही हैं। लोगों ने बताया कि कौन जो है उम्मीदवार ये होप कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ना आ जाए, बड़ा प्रयास कर रहे हैं कि कुछ भी करके जो है छोड़ दें। और भीड़ की बात जहां तक है, असंध के अंदर एकमात्र रैली की थी, उस रैली से इतना निराश हो गए, उसमें मात्र कुछ 100 आदमी आए। नेता प्रतिपक्ष यहाँ पर आकर पहली रैली कर रहे हैं, कुछ 100 आदमी आए। वो तो कह रहे हैं मोदी की रैली में भी लोग नहीं आ रहे भाई, वो तो कह रहे हैं मोदी की रैली में भी लोगों के अंदर जोश नहीं है, लोग दिख नहीं रहे आपके यहाँ। ये बताना अब जोश का कौन सा थर्मामीटर इन्होंने देख लिया? वो थर्मामीटर तो 8 तारीख को आपके चैनल पर सारा हरियाणा देखेगा। लेकिन अपने आप बार बार ये क्यों कहना पड़ रहा है योगेश भाई को? और योगेश भाई नहीं, नीचे से लेकर ऊपर तक, अरे कान खा लिए उन्होंने बार बार बोल बोल कर, कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस आ रही है। हरियाणा की जनता आतंकित होती है याद करके कि अरे कांग्रेस आ जाएगी। डरते हैं हम लोग भाई, कांग्रेस आ गई तो वही बुरा हाल हो जाएगा, बंदर बांट हो जाएगी नौकरी। आप तो मुंह से बोल रहे हो 50 आदमियों 50 वोट लाओ और एक नौकरी ले जाओ, स्कीमें निकाल दी आपने, खटाखट योजना है राहुल गांधी वाली, आपसे आतंकित है। रही बात प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, राहुल गांधी को अपने रैलियों को कैंसिल करके ये जो एक जो टूर प्रोग्राम उन्होंने यात्रा वाला निकाला, क्यों निकाला? क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल की भी भीड़ नहीं आ पा रही है राहुल को, और कोई उठने को तैयार नहीं, तो एक बहाने से कि भाई आए भी थे प्रचार। ठीक है विदुर रावल जी, वो आप कह रहे हैं भीड़ नहीं आ रही, वो कह रहे हैं सुनामी आ रही, ठीक है। वो एक छोटा सा बात जो विवेक भाई ने कही थी, विवेक भाई उत्साह अच्छा होता है, अति उत्साह अच्छा नहीं होता। जो आप कह रहे हो ना, जो सुनने वाले दर्शक है वो भी कुछ चीजें समझते होंगे। बोले जी मजबूरी में अपनाया था। अरे हमें क्या मजबूरी थी साहब? हमारी तो जितनी बार वोट निकली 58 वोटें निकली है, 90 में से 58 10 निकाल दो तो भी 48 बनती हैं। हमारे तो जितनी बार हमारे विधायक हमेशा पूरे थे, और आखिरी के 6 महीने आपको बाहर निकाल कर हमने दिखा दिया कि हम तो सरकार चला रहे हैं। फिर ये दूसरी बात इन्होंने और बोली, मैंने नोट किया था, ये हमारे पास आए थे साहब 6A कृष्ण मेनन मार्ग दिल्ली में, अमित शाह जी के रेजिडेंस में तो आप आए थे। हम 18 जनपद पे डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के घर पे आए थे क्या? आप आए थे, सभी लोग आए थे, हम नहीं आए थे, लेकिन आप आए, हमने गरिमापूर्ण तरीके से अपने साथ बिठाया, आपको पूरा मान सम्मान दिया। ये तो आप ही बेआबरू होना चाहते हो,
आपको लगता है कि दो वोट बढ़ती होगी बीजेपी को फूल फजूल बोलने से, लेकिन इसमें आपका दोगलापन ज्यादा झलकता है। बार बार आपसे जो सवाल पूछा जाता है ना ये 4.5 साल वाला, वो इसलिए पूछा जाता है क्योंकि आपका ये एकदम जो यूटर्न है ये हजम नहीं हो रहा था किसी। चलिए मैं योगेश जी से पहले शुरू करता हूँ। योगेश जी, आप कह रहे हैं सुनामी आ रही है, वो कह रहे हैं आपको तो इसीलिए यात्रा निकालनी पड़ रही क्योंकि आपके यहाँ तो भीड़ ही नहीं आ रही, और फिर राहुल गांधी क्या बात कर रहे हैं भाई, इसका कोई तार्किक आधार है कि नहीं? योगेश जी जवाब दीजिए। देखिए आयुष भाई, जैसे मैं अभी विदू राहुल जी की बातों को सुन रहा था, अब वो देखिए राहुल जी ने जो अडानी अबानी का जो मुद्दा उठाया आज भी और पिछले दिनों भी जब उनकी हिसार में भी थी, असंध में रैली थी, बरवाड़ा में थी, तो ये सबसे बड़ा गंभीर मुद्दा है क्योंकि जो तीन कानून है। आप देखिए राहुल जी, मैं आप सभी सुन रहा था, आप भी तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए ना। तो क्या था जी, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, किसानी बचाने का मुद्दा है। उन्होंने जिस तरह कहे कि औने पौने दामों में किसान की जमीन ये खरीदने हड़पना चाहते हैं, और किस तरह से कब किसानों ने कब तीन काले कानून मांगे थे, क्या उन्होंने कभी कि अडानी अंबानी के कितने अरबों रुपए माफ कर दिए, क्या कभी किसी किसान का कर्जा माफ किया, एक रुपए भी माफ किया? देखिए एक रुपया भी किसी का माफ किया भाई? देखिए वो आप हेल्दी डिबेट चल रही है, योगेश जी, लेकिन आप कह रहे हैं भाई इन्होंने किसानों की जमीन लेने का षड्यंत्र किया, सीएलयू की सरकार के सीएलयू की सरकार, तो आपके ऊपर आरोप लगते रहे। किसी के बीच में बोलेंगे ऐसे डिबेट नहीं चल पाएगी भाई। अगर आपने इसी तरह एक एक करके योगेश जी अभी योगेश जी विवेक जी अरे ठीक है भाई, अभी योगेश जी का समय, उनको बोलने दें। ये बात मैसेज जो आप अपना मैसेज दीजिए, झूठ का मैसेज क्या करते हैं? देखिए आपने बोला कि राहुल जी की रैलियों में लोग नहीं आते, वो जनता को पता है कि आज का जो पूरा दिन उनका, और जो आपने यात्रा की बात बोली, देखिए क्योंकि रैली के माध्यम से बहुत ज्यादा क्षेत्र कवर नहीं हो सकता। अब तीन दिन का समय है, हमारा उद्देश्य है कि हर विधानसभा तक राहुल जी का रथ पहुंचे, प्रियंका गांधी जी पहुंचे, उनका संदेश पहुंचे, जो उनकी जो न्याय की जो एक उन्होंने गारंटी दी है वो पहुंचकर हर को जो 7 गारंटी के बारे में बता रहे हैं, जो हर वर्ग को न्याय मिले, वो हमारा जो मैनिफेस्टो है उसके साथ साथ वो स्वयं एक अपना जो संकल्प पत्र जो मैनिफेस्टो है वो जनता तक पहुंचा रहे हैं। आपकी रैलियां हमने देखी है, 3,000-3,000 कुर्सियां लगाते हैं पीएम की रैली में और वो भी पूरी नहीं हो पाती। आज आप देखिए, आज मैं आपको यही बात बता रहा हूं कि जितनी जो सभी पार्टियां हैं कांग्रेस वर्सेस की लड़ाई लड़ रही है, आपको हमारे नेताओं की चिंता सता रही है। अरे आप अपनी चिंता कीजिए, मैं मानता हूं आपके दिल में भी दर्द है, आपको भी कहीं ना कहीं पार्टी ने आपकी अनदेखी की है, आप डिजर्व करते थे विदू भाई, कहीं ना कहीं आपको मौका मिलना चाहिए था, पार्टी ने कहीं ना कहीं कहीं की। लेकिन योगेश जी अगर आपको ये पता है कि कांग्रेस आ रही है, ये बेसिक सवाल ये था कि कांग्रेस आ रही है तो ये जनता को बताने दीजिए ना, आप लोग क्यों बार बार बता रहे हैं कांग्रेस आ रही है, ये तो जनता को बताने दीजिए। योगेश जी अगर सुनामी आ रही है, अगर सुनामी आ रही है आपके आपकी चुनावी रैलियों में, तो ये जनता को तय करने दीजिए ना, ये बार बार आप क्यों बताते हैं कि कांग्रेस आ रही बीजेपी जा रही? मैं वो इसलिए बता रहा हूँ आयुष भाई कि जनता ने मन बनाया हुआ है, हम हर चारों तरफ से हमें फीडबैक मिल रहा है, हर जिले में बड़ी मुश्किल से, मुझे नहीं लगता एक सीट भी इनकी आ रही है, मैं 5 डिस्ट्रिक्ट तो ऐसे गिनवा सकता हूँ जिसमें बीजेपी का खाता भी नहीं खुल रहा, ठीक है, और सिंगल डिजिट में भारतीय जनता पार्टी रहने वाली है। वो भी ऐसे ही कुछ जिले गिनवा देंगे, वो सारे आंकलन अभी यहाँ पे होते रहेंगे, लेकिन इसका असली फैसला तो 8 तारीख को ही होगा, इसलिए इसका कोई आधार नहीं है। आप गिनवाएंगे तो अभी विदू रावल जी भी गिनवा देंगे, ठीक है? नहीं चलिए विवेक जी, ठीक है, अरे यहाँ कौन दूसरी पार्टी को तो कोई नहीं कहेगा कि चुनाव जीत रहा है, आप आपके कैंडिडेट आप कहेंगे जीत रहे हैं, वो कहेंगे हमारे कैंडिडेट जीत रहे हैं, इंडियन नेशनल लोक दल के कैंडिडेट कहेंगे कि हम जीत रहे हैं, विवेक जी कहेंगे हम जीत रहे हैं। चलिए ठीक है योगेश जी ठीक है वो छोड़ देते हैं ना, वो चुनाव के परिणामों पर छोड़ देते हैं अभी विवेक जी, ठीक है योगेश जी आ गई आपकी बात। विवेक जी आयुष भाई, आज कहीं ना कहीं मैं तो ये देख रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी है चाहे कांग्रेस, दोनों एक दूसरे को एक आरोप प्रत्यारोप करने पे लगे, ये नहीं बता रहे कि कौन चुनाव में आने के बाद क्या करे।
हम तो एक चीज जानते हैं, आज हरियाणा प्रदेश को पहले भी काम करके दिखाया और आगे भी अपना जनसेवा पत्र लेके जनता के बीच में जाने का काम कर रहे हैं और मजबूती से चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं, और जनता का आशीर्वाद और प्रेम हमें मिलने का काम होता है। अभी मेरे भाई ने एक चीज कही कि मजबूरी क्या थी और हम आपकी कोठी पे आए क्या, आप गए क्या। भाई ये जो बातें आप कर रहे हो ना, कि आपकी बचकाना हरकतें दिखाती है। अगर आपको ना पता हो तो अनुराग ठाकुर पहले दुष्यंत जी के पास गए, उनसे संपर्क किया, उसके बाद वो लेके दुष्यंत जी को अमित शाह जी के पास गए। और अगर आप इतने ही सक्षम थे तो ये बात आपने अमित शाह जी को क्यों नहीं बता दी कि हमारे पास तो इतने नंबर है, इतने हैं, तो हमें जरूरत नहीं है। अरे दोगला रवैया तो आप लोगों का ये है कि जब तक सरकार में थे तब तक तो अप्रत्यक्ष रूप से आप आरोप लगाने का काम करते थे, पर जब सरकार से हम बाहर हुए तो आप लोग सरेआम कहने लगे कार्रवाई करेंगे कार्रवाई करेंगे। आज कहां गए कार्रवाई करने वाले? आज तो हम सरकार से बाहर से क्यों नहीं कार्रवाई कर पाए? आप लोगों के अगर पास कोई प्रूफ होता, कोई फैक्ट होता, कोई फैक्टलेस बात आप लोग करते हैं, वही बात आप यहां कर रहे हैं और वही बात आपके नेता कर रहे हैं। आज तो एक चीज देख रहा हूं, दोगलापन तो इनका बारी बारी दिखता है। कभी नारायण सैनी कहते हैं जांच कराएंगे, फलाना कराएंगे, अरे अपनी जांचें अटकी पड़ी हैं, आज के दिन बातें कर रहे हैं दूसरों की जांच कराने। हम तो ये देख रहे हैं, सही कहा योगेश जी ने कि नायब सैनी अपना चुनाव आ रहे हैं और तमाम इनके नेता जो बड़े, मैं तो ये कहूं जो नया मंत्रिमंडल था नायब सैनी का पूरा मंत्रिमंडल आज चुनाव हारने का काम कर रहा है। और जननायक जनता पार्टी और एएसपी गठबंधन जनता के बीच में जाके जो इनके दोगलापन था उसको बताने का काम कर रही है और लोगों को साफ स्पष्ट बताने का काम कर रही है कि किस तरह हमने तो मात्र 48 और 72 घंटे के अंदर किसान के खाते में डायरेक्ट पेमेंट पहुंचाने का काम किया, और इन लोगों ने जब हम सरकार से बाहर हुए 1.5 महीने तक किसान के खाते में पेमेंट नहीं कही। आज मंडियां जीरी से लबालब हुई पड़ी है और उनकी सूद लेने वाला कोई नहीं है। ये कहते थे कि हम 23 तारीख को खरीद करेंगे, 22 की रात को लेकर आते हैं कि खरीद 1 तारीख को होगी, फिर बीच में कहते हैं नहीं खरीद जल्दी कर देंगे। पर आज भी अगर मैं आयुष भाई बात करूं, इस टाइम भी मैं मंडी के अंदर बैठा हूं और हालात मंडी के ये है कि किसानों को आज खून के आंसू रोने पड़ रहे हैं। जो आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी ने एक काम किया था, एक विजन लेके चले थे कि किसान को कभी मंडी में रात नहीं गुजारनी पड़ी थी, आज आप अपनी टीम को किसी भी मंडी के अंदर जाके भेज सकते हैं। मंडियों के ये हालात है कि किसान को 3-3, 4-4 रातें गुजारनी पड़ रही है। ये आप लोगों का दोगलापन है कि जो सिस्टम हमने बनाने का काम किया उस बड़े बनाए सिस्टम को फेल करने का आप लोगों ने काम किया। आज के दिन ये बातें करते हैं कि ऐसे हो गया वैसे हो गया, कांग्रेस के साथी भी कह रहे थे। हम तो एक चीज जानते हैं आयुष भाई, एक कहावत है नाई बाल कैड़ कैड़, जजमान थोड़ी देर में गिरेंगे अगर देख लिए। 8 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो पता लग जाएगा विदु रावल जी को भी और कांग्रेस के साथी को भी जो बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं। सरकार बनाने की चाबी हमारे पास है और ताला अब की बार हमारा ही है, चाबी भी हमारी और ताला भी हमारा। ताला खोलने का काम भी जननायक जनता पार्टी और एसपी गठबंधन करेगा। आज कुछ कही जाए बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, कहा ठीक है चाबी रहेगी तो जाएंगे किसके पास? क्या कहा आयुष भाई? चाबी रहेगी तो जाएंगे किसके पास ताला खोलने के लिए? नहीं, ताला भी हमारे पास है, चाबी भी हमारे पास है। तो पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रहे हैं? अगर पूर्ण बहुमत के साथ बना रहे हैं तो फिर ताला चाबी फिर तो दोनों ही आपके। अरे दोनों ही हमारे पास है, मैंने क्या कहा? आपने सुना नहीं ध्यान से, ताला और चाबी हमारे पास अच्छा, है सरकार बनाने। मुझे लगा आप ये कह रहे हैं कि चाबी हमारे पास है तो मैंने इससे पूछा कि भाई ताला किसके पास? ये 8 तारीख को रोते दिखेंगे। ठीक है ठीक है। पंजेटा जी, बहुजन समाज पार्टी के साथ पहले भी आप लोगों का गठबंधन रहा है, लेकिन इस बार जमीन पर ऐसा क्या आप लोगों को लग रहा है कि बदल गया है और इसलिए आप लोग आश्वस्त हैं कि नहीं इस बार जो हवा का रुख है वो कुछ दूसरी तरफ है? देखिए, दोनों ही पार्टियों की सरकार को देखा है और दोनों की पार्टियों की सरकार जो 10-10 साल रही है उसमें बहुत ज्यादा, मैं कहूँ हर वर्ग को आप देख लीजिए, किस वर्ग की पिटाई नहीं हुई, सभी वर्गों को का शोषण हुआ है। और किसानों का आप हाल देख लीजिए, मैनिफेस्टो में था इनके, मजदूर देख लीजिए आय दुगनी करेंगे, युवा देख लीजिए, अगर आप युवाओं युवाओं की बात करें सबसे ज्यादा बेरोजगार हरियाणा के अंदर है। युवाओं की आप बात करें तो आप बताइए इसराइल क्यों भेज रहे हैं,
युवाओं की बात करें तो हर दिन 51 बच्चे जो है वो सुसाइड कर रहे हैं, एनसीआरबी का डेटा कहता है। सिर्फ अगर हम युवा युवा पे अगर आप चर्चा कर लीजिए तो हमारा सुसाइड रेट जो है वो नेशनल एवरेज से 2% ज्यादा है। हर 5वें दिन एक बच्चा नशे से मर रहा है। ये तो युवाओं की हालत है, क्या कहाँ है भविष्य युवाओं का? जमीन बेच बेच के बेचारे बाहर जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं योगेश जी की बात का, जो इन्होंने आंधी और सुनामी की बात करी, अगर इतनी आंधी सुनामी थी तो राहुल गांधी जी को आपको लाने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? आपने जिस तरीके पहले हर हलके के अंदर लॉलीपॉप देके रखा, आपको भी चुनाव लड़ाएंगे, आपको भी चुनाव लड़ाएंगे, आप अपना कोई भी आयुष जी निकलवा के देख लीजिए, हर हलके में दीपेंद्र हुड्डा सभी उम्मीदवारों को मंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। तो कमाल की बात है, कितने मंत्री पद है? इतनी सुनामी है तो इतने लॉलीपॉप, पहले टिकटो के लॉलीपॉप, अब हर एक कोई मंत्री बना दोगे आप? कमाल की बात करते हो आप। सुनो उनके भाषण कभी जाके, किसी बच्चे से लेके बूढ़े तो किसी को छोड़ रखा है क्या? सभी कोई मंत्री बना देंगे। सीटें कितनी बात करते हैं, पता नहीं कोई 70 पार 75 पार। अब मैं आपको बताऊं, हरियाणा में एक ट्रेंड है आयुष जी, हरियाणा में जिसका इलेक्शन पहले आपको उठता दिखता है ना, वो जब तक पोलिंग की डेट आती है ना तब तक उसका इलेक्शन बैठ लेता है। और असली विनर वो होता है जिसे कहते हैं ना अंडरडॉग, जिसका दिखता है कि भैया ऐसे है, वो जमीनी स्तर पे जो धरातल के असली मुद्दे हैं, जो नीचे तंग हुआ हुआ है, जो प्रॉपर्टी आईडी से तंग हुआ हुआ है या और दोनों सरकारों की नीतियों से तंग हुआ हुआ है, वो जाके अपना इलेक्शन उसका उठता है, क्योंकि उसको सीधा पता है। अगर आज आप बात कर लें सिर्फ बुढ़ापा पेंशन की, अगर आप बात कर लें तो कम से कम, नहीं तो अगर 2 बुजुर्ग हैं घर के अंदर तो 10 लाख से ऊपर कोई क्या, अब 10 लाख से ऊपर इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से फायदे हैं क्या? कोई 10 लाख आपको दे दे, आज आपको बहका लेगा, बहला लेगा 15,000-20,000 की वोट, आपकी बोल भी देगा, आपको शराब कुछ दे देगा, लेकिन आप देखो दूर का फायदा किसमें? हमने पहले भी करके दिखाया, प्रदेश के खजाने भरे छोड़ दिए दोनों पार्टियों ने तो 4 लाख करोड़ से ऊपर का कर्ज कर दिया। आज नायब सिंह जी के बारे में बात हो रही थी, नायब सिंह जी के बारे में सिर्फ एक चर्चा कि जो व्यक्ति 2 महीने पहले इतने बड़े मार्जिन से करनाल की सीट जीत के आया है वो हर इलेक्शन में सीट बदल लेता है, तो आपकी लाडवा की सीट भी बदलनी पड़ी है। वो लाडवा की सीट कल को बदल लेगा, वो स्थायी टिकाऊ तो नहीं है, अपना हलका तो एक परमानेंट कोई एक चुनाव में नहीं रखा, नारायणगढ़ से कभी कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र से करनाल, करनाल से लाडवा, लाडवा से कहीं और, ये एक एक फैक्टर है सिर्फ। अगर इसके कोई देखिए, ये कोई चीजें होती हैं जो चलती हैं, उनके बारे में आपको कैसे उनको कॉम्बैट करना है वो पहले देखना चाहिए। ये तो भाजपा पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन आज मैं ये कह सकता हूँ कि अगर योगेश जी ये बात कहते हैं कि मेरी सुनामी चल रही है पार्टी की, तो आपको झूठे वायदे करने की जरूरत नहीं है। आपकी मंशा है अपने घर भरने की, जो सामने आ गई, आपने कहा रिश्तेदारों को लगाओगे, जैसे पहले की आपने, पहले की लिस्टें देखी है आपने, पहले की कांग्रेस की लिस्टें देखी हैं, पुलिस की और इंस्पेक्टर और लिस्टें कहीं नहीं देखी हो तो मैं आपको दिखाने का काम कर दूंगा और बता दूंगा कौन किसका रिश्तेदार है। और आपने तो अभी मान भी लिया। आप अगर ये इलेक्शन सिर्फ इस बात पे लड़ना चाह रहे हो कि आप अपना घर पहले भरोगे और जनता भूखी रहेगी, तो ये वजह इंडियन नेशनल लोकदल और बसपा की सत्ता में आने की। मुझे लगता है कि ये जनता बहुत ध्यान से इन सारी चीजों को देख रही पंजीका जी, और जब वो वोट करने जाएगी तो मुझे लगता है उनके जहन में ये होगा। विदुर रावल जी कुछ हल्के गिना रहे, योगी जी कह रहे हैं कि वो तो बता सकते हैं ये जिले हैं जहां तो आपका खाता भी नहीं खुलने वाला है, उनकी तो सुनामी चल रही है भाई। देखिए ऐसे हल्के बहुत सारे हैं जहां कांग्रेस हल्के में है, लेकिन बड़ी बात यह है कि अब वो हल्के सारे देख लीजिए जहां जहां राहुल गांधी जी के पांव पड़ते जा रहे हैं। और जिस तरह से अभी लोकसभा के क्षेत्र जो है रजत पंजेटा जी ने बताए, यही जो है हम डिबेट विधानसभा के बारे में कहेंगे, जहां जहां राहुल गांधी जी जाते हैं पोचा मारते जाते हैं, सूपड़ा साफ कर देते हैं। राहुल गांधी जी से ऐसा ही नहीं, कैप्टन अमरिंदर जब कांग्रेस में रहते थे उनको मना कर दिया था पंजाब आने की जरूरत नहीं है, और फिर पंजाब में उन्होंने कांग्रेस की सरकार बनाई, ये तो ऐतिहासिक है बातें। लेकिन खैर उन्होंने एक बात ये कहा कि मजबूरी क्या थी मुझे समझ नहीं आया। देश के प्रधानमंत्री तो जाकर यूएस में जाकर यूनाइटेड नेशंस के कार्यक्रमों में भी शामिल होकर फिर वापिस आकर भी ताबड़तोड़ रैलियां कर लेते हैं, राहुल जी को क्या मजबूरी थी? कहां जाते हैं राहुल गांधी जी? भाई जब तक वो नेता प्रतिपक्ष नहीं थे तब तक तो नहीं बात थी, लेकिन अब नेता प्रतिपक्ष, अब तो देश को जानने का हक है कि वो एकांतवास में कहां जाते हैं, किन लोगों से मिलते हैं। जो सामने आता है वो भी बड़ा डरावना है। अमेरिका गए थे पहले दिन जो है, जो देश के खिलाफ लगातार बोलने वाली अमरीकी की सांसद थी उसके साथ तस्वीर आई, दूसरे दिन आकर कहते हैं कि भारत
के अंदर सिखों को जो है गुरुद्वारे में नहीं जाने दिया जा रहा, उनको कड़ा नहीं पहनने दिया जा रहा, उनको टर्बन यानी पगड़ी नहीं रखने दी जा रही, कैसी बातें करते हैं वो? और उनकी बातों का एंडोर्स कौन करता है? गुरु पनवंत सिंह पन्नू, मतलब जिनके लिए पाकिस्तान के शोजाब चौधरी से लेकर गुरुवंत सिंह पन्नू जिनके फैन हो उनके लिए दुआएं मांगते हूँ। ऐसे लोग आपने जो है अपने सिर पर बिठा रखे, कुछ तो विचार कीजिए। लेकिन ये झूठ की राजनीति जो है ना ये चलती नहीं है। आपने लोकसभा में थोड़ा सा इसका लाभ ले लिया, फिर भी बहुत पीछे रह गए हमसे, हम फिर भी आपसे ढाई गुना आगे बढ़े। आप 99 सीटों पर आए, हम 240 सीटें, आप 40 साल में नहीं ले पाए इतनी सीटें, इतने पे खड़े हैं, लेकिन फिर भी आप 99 तक भी झूठ के सहारे पहुंचे थे और वो झूठ का भांडा फूट गया जब आपने खटाखट योजनाएं दी। अब तो हरियाणा की जनता ये पूछना चाहती थी कि आप 2 साल पहले हिमाचल प्रदेश के अंदर महिलाओं को 1,000 रुपए कहकर आए थे, दे दिए क्या? कोई 5 महिलाओं का नाम तो बता दो। 2 साल हो गए भाई, 750 दिन हो गए हिमाचल में बने हुए। कर्नाटक में गए तो 1,000 से बढ़ाकर 1,500, 1,000 हिमाचल में नहीं दिया, कर्नाटक में गए 1,500 कह दिया। एक आध महिला का नाम बता दो कर्नाटक में, एक आध जिले का नाम बता दो जहां दे दिए हो। और फिर हरियाणा आए तो बेशर्मी से अपने झूठ का जो है जो मैग्नीट्यूड और बढ़ा दिया, जो हिमाचल में 1,000 नहीं दे पा रहे, कर्नाटक में 1,500 नहीं दे पा रहे, हरियाणा में आके कह रहे हैं कि 2,000 देंगे। अरे कुछ तो शर्म करनी चाहिए। और दूसरी बात, हम युवा हैं, हम इस चैनल पर आज जो प्रवक्ता बैठे हैं सब युवा प्रवक्ता हैं, हमें अपनी राजनीति को सच पे बेस्ड रखना चाहिए, हमें आगे भविष्य की राजनीति करनी है। जब आप ये कहते हैं कि हम लोग एक तरफा 16,000,000,000,000 का माफ कर दिया, तो कम से कम अपने राहुल गांधी के झूठ को दोहराने की बजाय कुछ सब्सटेंस लेकर आइए। सच यह है कि 1 रुपया किसी का माफ नहीं हुआ। और मैं इसलिए बार बार डिबेट्स पर कहता हूं, हम सब डिबेटर्स का काम यह भी होता है कि जनता के सामने सच रखें, ये 1 रुपया भी माफ नहीं। गलत नैरेटिव से क्यों जीतना चाहते हो? अपने बारे में सच बताओ और अब सच की प्रमाणिकता पर जीतने की कोशिश करो। और बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको कि हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। जब चांद चढ़ता है तो दुनिया देख लेती है। ठीक है, योगी जी से मैं एक रिएक्शन ले लेता हूँ। योगी जी देखिए आयुष भाई, आपने भी देखा होगा किस तरह का नैरेटिव फैलाया जा रहा है। अब इन लोगों ने बात की, सबसे बड़ा हरियाणा में मुद्दा है बेरोजगारी का। आज खुद भारतीय जनता पार्टी मान रही है कि 2,00,000 पद खाली है, तो आपने 10 साल तक 2,00,000 पद क्यों नहीं भरे, पक्की नौकरियां क्यों नहीं दी? HKRN के माध्यम से आपने आरक्षण को समाप्त कर दिया, आपने उसके बाद भी आप जो एक मुझे ऐसा प्रूफ दे दीजिए जो आपके पास हो, कांग्रेस के राज के 10 साल के दौरान कोई FIR दर्ज हुई हो पर्ची खर्ची की, कोई चार्जशीट हुई हो, और मैंने पूरी अटेंशन पकड़ी गई, विदु भाई देखिए सर, आप सवाल पूछ रहे हैं, थोड़ा तो एक का पूछ रहे हैं, मैं तो जनता आपको देख रही है, हम भी तो आपकी हर बात को सुनते हैं ना। लाला की दुकान बोला है, नागर जी को कैसे